Hello students, myself Pankaj Singh and I'm going to teach you chemistry. We'll learn chemistry on the basis of few competitive exams like NTSC, Homi Bhabha, IJSO and their levels. Right, today we are going to learn mole concept, the basic part of mole concept. Here we are going to deal with the basic part of mole concept. So let's begin with the first topic of our today's lecture. Is relative atomic mass. Dear students, you all know what is relative atomic mass. Agar hum isko short form mein likhe to we can write it as a RAM or RAM. So iska jo formula hota hai, this is mass of an atom of element divided by 1 by 12 into mass of one C12 atom. Now the question is this relative atomic mass has any unit? Kya bata sakte hai iska koi unit hai? So answer is no. Kyun? Kyunki numerator mein bhi mass hai aur denominator mein bhi mass hai. Carbon isotope humne liya hua hai yahan pe, C12 is a isotope of carbon. You all know that there are three isotopes of carbon, C13, C14 and C12 itself. So question ye hai ki humne sir C12 kyu liya? Ha, pehle humne hydrogen liya tha, fir humne oxygen liya. Now we are taking C12 carbon because of its abundance aur iski properties ki wajah se hum yahan pe carbon ka hi isotope lete hain. Theek hai? So relative atomic mass has no unit. It is just a number. So if I write relative atomic mass of oxygen, so I will write just 16. If I'll write relative atomic mass of O2, I'll just write 32. Now the question is that hame pata hai ki atom ki jo size hoti hai bahut small hoti, we can't see a single atom, but we all know that atom ka kuch to mass hota hoga and we are very curious to calculate the mass of an atom. So in that case हमें एक यूनिट चाहिए होगा और हमें पता है मास का यूनिट क्या होता है, हम ग्राम और किलोग्राम यूज़ करते हैं. बट हमें ये भी पता है एटम के साइज़ तो बहुत स्मॉल है, तो बहुत कम ग्राम होगा इसका, मतलब एक तरह से हम नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते, बट एक तरह से नेग्लिजिबल ही होता है वो, है ना. तो अब हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा मास की यूनिट, हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी मास की यूनिट. तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हमने लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके पीछे हमें यूनिट लगाना है. तो हमने जो सबसे पहली यूनिट ढूंढी, दैट वाज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? इट कैन बी रिटन एज AMU. और उसका क्या फॉर्मूला होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम. तो ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अब हमें पता चल गया. तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास नाउ, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम. अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं लिखूँगा मास ऑफ वन एटम. तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो याद रहे हमें क्या लिखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू AMU, क्योंकि हमें यूनिट लगाना, हमें मास की यूनिट चाहिए. तो हमें पता है कितना है, 16 है, और पीछे हमने क्या लगा दिया, 16 AMU. क्या लगा दिया हमने, 16 AMU. वैसे ही अगर मैं जानना चाहूँ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो मैं क्या लिखूंगा, 14 AMU. राइट. नाउ अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानना है, आपको पता ही होगा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम से बने होते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे डिफाइन करना है, तो बच्चों क्या रहेगा इसका, मास
of one molecule. तो यहां पे अगर मुझे लिखना है molecular mass of O2, तो हम यहां क्या लिखेंगे? अब जैसे RAM होता है वैसे ही RMM होता है, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, उसका भी कोई यूनिट नहीं है. तो हम लिखेंगे RMM. RMM means I'll write full form here, relative molecular mass. ये molecule के लिए होता है. Pattern same है. And AMU के जगह पे जब हम molecule की बात करते हैं तो हम AMU के जगह पे क्या लिख देंगे? U. What is U? It is unified mass. Simple सी बात है, अगर molecule है तो number of atoms से बना है, तो अगर एक एक एटम के मास को ऐड कर दे तो मॉलिक्यूल का मास होगा. तो हमने एक तरह से मास को क्या कर दिया? यूनिफाइड कर दिया. तो हम यहाँ पर लिख देंगे और AMU और U का जो पैटर्न है, जो फॉर्मूला है, वो सेम है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा. यहाँ पे AMU और U दोनों सेम है, हमने लिख दिया. नाउ यू कैन टेल मी व्हाट इज मॉलिकुलर मास ऑफ O2, दैट इज 32 U. ठीक है. नाउ अब क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई, बिकॉज यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं हेल्प ले रहे हैं कार्बन का आइसोटोप का. AMU हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग U यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कार्बन का मास भी इन्वॉल्व है. सो नाउ वी आर वेरी क्यूरियस टू नो द एग्जैक्ट मास ऑफ अ सिंगल एटम और अ मॉलिक्यूल इन ग्राम, बिकॉज वी नो दैट द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, राइट? तो देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर. इससे क्या हुआ? इससे हमें बहुत अच्छी चीज़ पता चली. विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेक्ट्रोमीटर, दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर, हमने कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम. और आपको बता दूं मैं कितना आया. ये आया 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम. नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वन AMU, दैट इज़ नथिंग बट 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम. तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है? 1/12 × 1.99 × 10⁻²³ ग्राम. सो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम. सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द मास ऑफ वन C12 एटम एंड द वैल्यू ऑफ वन AMU, राइट? तो अगर मैं चाहूँ तो मैं एग्जैक्टली ऑक्सीजन एटम का, एक ऑक्सीजन एटम का मास पता कर सकता हूँ ग्राम में. तो मुझे क्या लिखना है? 16 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम. ये मुझे मिल गया. वैसे नाइट्रोजन का भी मुझे मिल गया 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम. तो ये जो मास है, ये जो एटॉमिक मास है, ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास है. ऑक्सीजन के एक एटम का मास है, ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई द मोल कंसेप्ट इज देयर इन दिस टॉपिक. सो फ्रॉम द बिगिनिंग आई नो कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 16 AMU. तो अब इसको मैं ग्राम में भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया AMU को वैल्यू. तो मैं लिखूँ 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम. जब हम यूजुअली लिखते हैं ऑक्सीजन का मास तो हम क्या लिखते हैं? 16 ग्राम लिखते हैं. तो देखो अभी यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करना है, ये अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना है. तो मुझे कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि ये जो वैल्यू है 1.66 × 10⁻²⁴ है वो क्या हो जाए? 1 हो जाए. तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस वैल्यू के साथ में कि आंसर मेरा 1 आ जाए? मतलब बचे क्या? सिर्फ 16 एंड ग्राम, तो जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना? तो यू ऑल नो दैट एक मोल की वैल्यू कितनी होती है. अभी आप बोलोगे सर 1 मोल इज इक्वलेंट टू 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयन, एनीथिंग. जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से एवोगैड्रोस नंबर भी हम इसको बोलते हैं, राइट? अब हम इसको एवोगैड्रो नंबर के भी नाम से जानते हैं. तो जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल क्यों? तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर टू नो ये पार्टिकल इतना ही क्यों, क्योंकि जब हमने इस नंबर को
मल्टीप्लाई किया किससे, इन दोनों वैल्यू को अगर हमने मल्टीप्लाई किया द आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1, तो बचेगा क्या 16 ग्राम। तो ये जो 16 ग्राम है ये कितने एटम का मास है, राइट? तो क्वेश्चन इज 16 ग्राम इज मास ऑफ हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, क्योंकि हमें पता एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना था, 16 into 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम, यहाँ से याद था। अब हमने उसके अंदर कितने ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर दिए, हमने उसके अंदर इतने ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे हमने इतने मल्टीप्लाई किए हमारे आंसर के 16 ग्राम आ गया, और हमें पता है ये किसकी वैल्यू है, ये 1 मोल की वैल्यू है, तो ये जो मास हो जाएगा ये कौन सा मास हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलार मास। नाउ अगर आपको अभी डिफाइन करना है कि व्हाट इज मोलार मास, तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब हम इसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और हमें पता है एग्जैक्टली 1 मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स, राइट? और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो अभी हम एटॉमिक मास से कहाँ पहुँच गए, मोलार मास पे पहुँच गए। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा कि 1 मोल में इतने ही पार्टिकल क्यों होते हैं, रेडी? तो 1 मोल में इतने पार्टिकल इसलिए होते हैं क्योंकि हमने ये नंबर मल्टीप्लाई किया था टू गेट द एग्जैक्ट 16 ग्राम। इन फ्यूचर जब भी आप कैलकुलेट करोगे मोलार मास, तो ऑक्सीजन के लिए आप 16 AMU या 16 U नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 16 ग्राम। और बी केयरफुल, 16 ग्राम में कितने ऑक्सीजन आइटम होते हैं, Na, मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आइटम है, तो उसके अंदर 6.023 × 10^23 पार्टिकल्स, सॉरी 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। और अगर किसी ने आपको एक ऑक्सीजन आइटम का मास पूछ लिया, तो आपको सिंपल लिखना है 16 × 1.66 × 10^24 ग्राम। तो अगर मैं 1 AMU और Na का रिलेशन देखूँ, तो 1 AMU इज नथिंग बट 1/Na इन ग्राम। ये रिलेशन आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आप 1 को डिवाइड करोगे अवोगैड्रो नंबर से, तो आपको एग्जैक्टली 1.66 × 10^-24 ही मिलेगा ग्राम, मैंने यूनिट यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन के मोलार मास को फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो दिस इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर मैं इसको बाहर रख दूँ तो क्या बचेगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू 1 मोल, सो व्हाट इज मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, सो वी ऑल नो दैट इट इज 16 AMU इंटू 1 मोल। Now we all know that the relation between AMU is what? What is the relation between AMU? It is 1/Na in gram, and we know that 1 mole is equal to Na. So Na will get cancelled, we will get 16 gram. So this is how we prove this value, molar mass. The molar mass of oxygen atom is 16 gram. I hope you all understand this term, right? So I'll add one more page to here to make you understand. Let us consider. और ये मोलार मास जो होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल दोनों के लिए सेम कंसेप्ट होता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें, या मैंने ऑक्सीजन लिख दिया या मैंने O2 लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 AMU और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 16 ग्राम, तो जो AMU है, to understand AMU, can I say AMU is what? Atomic mass, and what is 16 gram? Molar mass, right? And we all know 16 AMU is mass of 1 oxygen atom, and what is 16 gram? It is mass of Na, you know that number, kitne number hai? 6.023 × 10^23 mass of Na, एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, हमें पता है 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है,
सिर्फ डिफरेंस क्या है एमयू और ग्राम में, ग्राम का डिफरेंस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस मोलार मास कैन बी रिटन एंड इट इज़ नथिंग बट द ग्राम एटॉमिक मास, मतलब हमने एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया है ना। तो ये हमारे ICSE के कंसेप्ट में आता है और हमारे होमी बाबा के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर अब हम बात करें O2 की जो कि मॉलिक्यूल है, राइट, सो ये हो जाएगा 32U, U मतलब यूनिफाइड मास, वैल्यू ऑफ AMU एंड UV सेम, और ये हो जाएगा 32 ग्राम। सो व्हाट इज 32U? इट इज मॉलिक्यूलर मास। एंड व्हाट इज 32 ग्राम? इट इज मोलार मास। एज आई टोल्ड यू, मोलार मास as a concept is same for atoms and molecule both. So what is 32U? It is mass of one molecule of O2, and this is what mass of Na, molecule of O2, right? और अगर मैं इसको वापस Na concept में add कर दूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको gram मॉलिक्यूलर मास। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है ये टॉपिक, बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा ये इजी लगे। तो इसको हम लिख देंगे GMM। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है एटॉमिक मास एंड मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलार मास, ठीक है। अब कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि होमी बाबा के एग्ज़ाम में, IGSO के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, सो व्हाट यू हैव टू डू, और कहीं पे ये भी लिख सकता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, राइट। सो व्हाट इज 1 ग्राम एटम? तो बेसिकली 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ एटम एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा इट इज़ 1 मोल ऑफ एटम, और आपको तो पता ही 1 मोल में कितने एटम होंगे, और ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और आपको पता ही 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, राइट। तो बेसिकली ये 1 मोल की बात हो रही है यहाँ पे। आई होप आपको जो आपके डाउट्स हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, जो बेसिक कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस मूव टूअर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ मोल। अब कैसे हम उसको वाई मैप में ले सकते हैं? तो वाई मैप बनाने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक फार्मूले बता देता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ आप समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस? इट इज़ नथिंग बट सब्सटेंस में क्या हो सकता है बताओ, ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है, ये आयंस भी हो सकता है, इज इक्वल टू इट्स मोलार मास। मोलार मास को हम किस में लिखेंगे बेटा? ग्राम में लिखेंगे। एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू एन ए पार्टिकल, राइट, एन ए पार्टिकल, और ये तीनों इक्वल है। क्वेश्चन में किसी भी दो रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, इट्स लाइक मैथ्स, ए इज इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू सी, एन इक्वल टू बी, और वैसे b इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू a, हो सकता है ये। अगर सेपरेटली एग्जाम में पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर मोल कंसेप्ट है तो इसको मान लीजिए अगर हम n से डिनोट करते हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलार मास। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के हिसाब से, एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी गैस का अगर वॉल्यूम आपको पता करना है एट STP, STP इज कंडीशन विच इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होगा और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये वैल्यूज फिक्स होंगी, इज इक्वल टू n इंटू 22.414 लीटर। आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM³, तो यहाँ पे DM³ भी लिखा जा सकता है। कन्वर्जन के हिसाब से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, और 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³ होता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। तो अगर मैं इस तीनों फॉर्मूले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एक साथ रख दूं, अगर इस तीनों फॉर्मूले को मैं एक साथ रख दूं, तो आपके लिए एक पैक्ड फार्मूला बन जाएगा जिसको आप जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। उसको हम वाई मैप फार्मूला के नाम भी दे सकते हैं, और ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो बेसिक क्वेश्चंस आपके मूल कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे। तो समझिए, अगर मैं सेंटर पे मोल कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज मोल, अगर मैं इसको एन से लिख रहा हूँ, और अगर मोल से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो आई विल मल्टीप्लाई एन ए, तो आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर। एंड इफ आई हैव नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है और मुझे मोल्स कैलकुलेट करना है, सो आई विल डिवाइड नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एन ए, राइट। सेकेंड, अगर मेरे पास मोल की वैल्यू है, मुझे गिवन मास कैलकुलेट करना है, मुझे अगर मेरे पास मोल की वैल्यू गिवन मास कैलकुलेट करना है, तो उस कंपाउंड के मोलार मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मेरे पास गिवन मास है, मोल कैलकुलेट करना है, तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। और फाइनली, इफ़ आई हैव मोल और मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कैलकुलेट करना है, तो आई मल्टीप्लाई बाई 22.414 लीटर, और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस है और मुझे अगर मोल्स कैलकुलेट करना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 22.414। सो दिस इज़ द कम्बाइंड पैक्ड फार्मूला ऑफ मोल। इससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसको आप कैसे रिलेट करते हो। इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड ऑल द बेस्ट।